सीतामढ़ी में विधायक की पत्नी और इंजीनियर ने मारी बाजी। नानपुर विधायक की पत्नी रिंकू देवी बनी ददरी की मुखिया। इंजीनियर अखिलेश ने जानीपुर से मुखिया पद जीता। दो सप्ताह बाद बढ़ेगी ट्रेन सेवा। अब बरौनी के बजाय मुजफ्फरपुर के रास्ते चलेगी जयनगर दानापुर स्पेशल। जिले से आने जाने वाले रेल यात्रियों को भी मिलेगी नई सहूलियत। दो सप्ताह बाद बढ़ेगी ट्रेन सेवा। अब बरौनी के बजाय मुजफ्फरपुर के रास्ते चलेगी जयनगर दानापुर स्पेशल। जिले से आने जाने वाले रेल यात्रियों को भी मिलेगी नई सहूलियत। शहीद की अंतिम यात्रा में उमड़ा जनसैलाब। मुंगेर में घर के पास शहीद का पार्थिव शरीर पहुंचते ही लोगों की आंखों से छलके आंसू। 8 वर्षीय मासूम ने पिता को दी मुखाग्नि। हथियार के साथ सोशल मीडिया पर फोटो। बेतिया में एक युवक ने तमंचा लेकर सोशल मीडिया पर अपलोड की तस्वीर। लोग कर रहे शेयर, पुलिस की नहीं खुली नींद। नवादा में डायवर्सन टूटने से कई गांवों में संकट। ग्रामीण ने खुद बनाया था डायवर्सन। कई गांव के लोगों को हो गई आवागमन की परेशानी। बिहार विधानसभा उपचुनाव। कुशेश्वर स्थान की सीट पर कांग्रेस देगी उम्मीदवार। तारापुर में कुशवाहा वोट बैंक को तोड़कर साधने की बढ़ रही रणनीति। राष्ट्रपिता की यादों का गवाह है बघा। रात्रि विश्राम के बाद इस कुएं पर महात्मा गांधी ने किया था स्नान। डीएम एकेडमी में बापू ने बनाई थी रणनीति। प्रशिक्षु जवानों के हाथ में लॉ एंड ऑर्डर की कमान। 80% से अधिक पुलिसकर्मी चुनाव ड्यूटी में लगाए गए। थानों में कामकाज करने में हो रही परेशानी। गांधी जयंती पर कोरोना से आजादी की लड़ाई। बापू के जन्मदिन पर बिहार में वायरस के खिलाफ मेगा वैक्सीनेशन। विशेष कैंप लगाकर टीकाकरण। टीका एक्सप्रेस के साथ क्षेत्र में दौड़ेगी विशेष टीम। गुलाब तूफान के कारण मुजफ्फरपुर बन गया टापू। जल जमाव से पानी में डूबे कई इलाके, जनजीवन अस्त व्यस्त। मुजफ्फरपुर में अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू। सदातपुर 0 माइल में इन 57 से हटाया गया अतिक्रमण, चला बुलडोजर। दरभंगा तक 5 स्थानों पर हाईवे पर खुली है दुकानें, वाहनों का पड़ाव भी। किसानों का दर्द जानकर चंपारण पहुंचे थे गांधी जी। बेतिया के राजकुमार शुक्ला ने राष्ट्रपिता को सुनाई थी किसानों की कहानी। बापू ने नील की खेती से दिलाई थी निजात। यात्रियों को हो रही परेशानी। रेलवे ने गंतव्य वाले शहर का पता देना कर दिया है अनिवार्य। आरक्षण पर्ची में ठहरने का पता भरे बगैर नहीं मिलता रेल टिकट। 8 माह यानी मई तक बदल जाएगी मुजफ्फरपुर शहर की सूरत। खर्च होंगे 153 करोड़ रुपए। मुंबई की एजेंसी ने दिया प्रेजेंटेशन।